एक सवाल है अंडे की बीट के ताल्लुक से सवाल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी है अभी सर्दियों का मौसम है लोग अंडे उबाल के खाते भी हैं और जो है और इस तरफ लोगों का ध्यान रहता नहीं है सवाल यह है कि मुर्गी के अंडे लाते वक्त कभी कभी अंडे के ऊपर जो है मुर्गी की बीट लगी होती है क्योंकि बीट नजा स्त गलीज़ा है लिहाजा बड़ी नापाकी है और फिर इसी बीट के साथ लोग उस अंडे को पानी में डाल देते हैं बग़ैर धोए तो वो बीट पानी में मिल जाती है तो अब इस उबले हुए अंडे को खा सकते हैं या नहीं और क्या इससे ये पानी जो अंडे जिस पानी में गया है वो नापाक होगा या नहीं और इस तरफ लोगों का ध्यान नहीं रहता और सवाल काफ़ी अच्छा है पूछने वाले ने लोगों का ध्यान दिलाया इस तरफ के जो अंडे की बीट होती है यानी मुर्गी की जो बीट होती है अंडे पे लगी होती है और तो वो जो है नजास्त गलीज़ा में है यानी बड़ी नापाकी में है तो लिहाजा अगर अंडे के ऊपर मुर्गी की बीट लगी है और उसको पानी में इसी तरह उबाल लिया जाएगा तो वो पानी जो साफ़ पानी था जिसमें अंडा गया और उबला वो सारे पानी को जो है वो बीट मुर्गी की वो नापाक कर देगी तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी पाक चीज़ को बे ज़रूरत नापाक करना शरीयत में जायज़ नहीं है तो जो पानी पहले से पाक है उस पाक पानी में अंडा उबालने के बजाय लोग जो है नापाक करते हैं उस पानी को फिर नापाक पानी में अंडा उबालते हैं तो इससे बचना चाहिए जो लोग ऐसा कर चुके हैं उन्हें आइंदा इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि अंडे को उबालने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि उस पर बीट वगैरह के असर जो है वो जाते रहें अब रहा यह मामला कि अगर अंडा उसी नापाक पानी में उबला तो खाया जा सकता है या नहीं तो अंडा जो है अगर उस पानी नापाक पानी के अंदर उबलते वक्त फूल कर फट गया फटने के बाद वो नापाक पानी अंदर सराहत कर गया अंडे के अंदर दाखिल हो गया तो फिर उस अंडे को नहीं खाया जा सकता और ऐसे मामले भी देखने में आते ही होंगे ज़ाहिर के अंडा कभी कभी उबलते वक्त कुछ जगह से फट जाता है जिसके अंदर पानी अंदर चला जाता है तो अगर उस अंडे पे मुर्गी की बीट लगी हुई थी बीट मतलब आप लोग समझ रहे होंगे बीट का मतलब अगर वो लगी हुई थी और वही नापाक पानी अंडे में गया तो फिर उस अंडे को खाया नहीं जा सकता और अगर बीट लगी थी और नापाक पानी अंदर नहीं गया यानी अंडा मुकम्मल साबुत जो है वो उबल गया फटा नहीं तो फिर उस अंडे को खाया जा सकता है क्योंकि पानी जो है उसमें दाखिल अंदर नहीं होता तो मगर पानी ये कि अगर बीट थी तो पानी नापाक हो जाएगा इस बात का ख्याल रखना चाहिए लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते कि बीट के सहित ही अंडे को उबाल लेते हैं उस पर पहले साफ़ पानी से उसको धोना चाहिए जब अंडा पाक हो जाए क्योंकि बीट लगा हुआ अंडा जो है वो नापाक होता है जब वो पाक हो जाए उसके बाद ही उसको साफ़ पानी में डालकर जो है गर्म करें और उबालें और अगर उसमें बीट मिक्स होगी तो सारे पानी को जितना भी उसमें पानी है वो सब पानी को जो है वो नापाक कर देगी और जाहिर पानी नापाक होगा तो उसमें हाथ डालने पर आपका हाथ भी जो है वो नापाक होगा फिर उस हाथ को भी धोना पड़ेगा